जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है तो उसमें कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बैटरी होता है, रेजिस्टर होता है ना। आगे जाकर हम सीखेंगे कि इंडक्टर, कैपेसिटर भी उसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं, स्विचेज होते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है, अमीटर, वोल्ट मीटर उसमें जोड़े जाते हैं, है ना। तो सर्किट के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर बेस्ड है, और NCERT में ये सोल्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करने से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। बल्ब क्या है? एक तरह का रेजिस्टेंस है ना। ये जो बल्ब है वो एक्चुअली में एक तरह का रेजिस्टेंस है ना। ऐसे तो रेजिस्टेंस से जब भी कोई करंट जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस से जब भी कोई करंट जाता है तो वहां से चार्ज फ्लो कर रहा होता है। तो हमें पता है कि अगर यहां से चार्ज जाएगा तो करंट भी जाएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जो करंट होता है वो होता है चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टाइम। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स तक करंट जो है इसमें फ्लो करता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट का मतलब, जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होता है, तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस है, इसमें हो सकता है एक बैटरी भी होगा, है ना। बिना बैटरी के तो करंट फ्लो करेगा नहीं, तो बैटरी भी होगा, तो और भी कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया कि यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, टी टाइम तक फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया होगा। इस फॉर्मूले को देखें तो क्यू जो है उसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू टी। क्वेश्चन में देखेंगे करंट का वैल्यू कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर करंट दिया गया है, और जो टाइम दिया गया है, टाइम इंटरवल जितने देर तक ये करंट फ्लो करता है ना, तो उतने इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया होगा ये हमें पता करना है। तो जो टाइम इंटरवल है वो है 10 मिनट्स, ठीक। हम लोग SI यूनिट में रखेंगे तो टाइम को हमें सेकंड में रखना पड़ेगा। तो 10 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 10 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये सेकंड में आ गया। तो एम्पियर इंटू सेकेंड ये आ जाएगा चार्ज कूलम में, है ना। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने से आएगा 300 कूलम, है ना। तो कुल मिलाकर के इतना चार्ज जो है किसी भी क्रॉस सेक्शन से यहाँ से फ्लो किया होगा, या कह सकते हैं कि बल्ब से होकर के फ्लो किया होगा। ये जो सर्किट है, सर्किट से भी कह सकते हैं कि इतना चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, जो है पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ठीक। जैसे दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ना। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो करता है ना। यहां से सपोज यहां तक गया चार्ज, क्यू चार्ज गया, और यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, है ना। तो अगर हमें यह पता करना हो वर्क डन इन मूविंग क्यू कूलम चार्ज, ठीक है, जैसे 1 कूलम चार्ज को मूव करने में वी वर्क करना पड़ेगा, 1 कूलम को मूव कराने के लिए वी वर्क करना पड़ेगा, 2 कूलम को मूव कराने के लिए 2 यानी 2 इंटू वी ये वर्क करना पड़ेगा, 3 कूलम हो तो 3 इंटू वी, 4 कूलम हो तो 4 इंटू वी, अगर क्यू कूलम हो तो क्यू इंटू वी। तो जो वर्क डन है वो होना चाहिए क्यू इंटू वी, ठीक है। यहां से भी देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वर्क डन जाएगा क्यू इंटू वी। तो चार्ज जो है यहां पर 2 कूलम दिया गया है, 2 कूलम, और जो वोल्टेज है यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया गया है 12 वोल्ट। यहां से यहां तक का
पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 24 जूल, है ना। मैं एक बार फिर से बताता हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हम लोग बताते हैं वो ये है कि एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो एक कूलम को यानी वन कूलम को ले जाने में वी, तो टू कूलम को ले जाने में टू वी, थ्री कूलम को ले जाने में थ्री वी, तो क्यू कूलम को ले जाने में क्यू इंटू वी, है ना। तो क्यू इंटू वी हमने फॉर्मूला लगाया और ये वर्क निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, है ना। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उनका एक जाल सा बिछा होता है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनका एक कहीं ना कहीं जो है क्लोज लूप बन रहा होता है, जिसके बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है वो जुड़े रहते हैं। जैसे कि बीच में कहीं फैन आ गया, कहीं पर बल्ब आ गया, कहीं पर टीवी आ गया, है ना। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है बीच बीच में जुड़े रहते हैं, एक तरह से एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और वायर जो है वो कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करता है, कहीं ना कहीं एक सोर्स होता है। सोर्स का मतलब है एक बैटरी है जो कि एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि कई सारे इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो है एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक बैटरी हो गया, मैंने कहा कि फैन बल्ब भी होते हैं। ये क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस है ना। साथ में वोल्ट मीटर भी हो सकता है, एमीटर हो सकता है, ठीक। तो हमारे घरों में एमीटर वोल्ट मीटर जो है वो ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। ज्यादातर हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई सर्किट बनाते हैं, तो करंट का वैल्यू चेक करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर जो है वो जोड़ते हैं, है ना। और जब भी हमें करंट का वैल्यू पता करना होता है तो एक एमीटर जोड़ देते हैं। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, रजिस्टर, बैटरी, ये सारे कहीं ना कहीं सर्किट में जुड़े होते हैं। इन सबको मिला करके जो है एक सर्किट बनता है ना। लेकिन जब भी हम लोग अपने पेपर में एक डायग्राम बनाते हैं, सर्किट दिखाते हैं, तो वहां पर एक्चुअली में हम फैन या बल्ब का सिंबल नहीं दिखाते, उनका फोटो नहीं बनाते। क्या करते हैं, उनका एक रजिस्टर के बदले, उनको एक रजिस्टर माना जाता है, तो रजिस्टर का एक सिंबल यूज करते हैं। जब भी सर्किट में इनको दिखाना होगा तो हम लोग फैन नहीं दिखाएंगे, टीवी नहीं दिखाएंगे, उनके बदले में एक रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। रेजिस्टेंस का अपना सिंबल होता है। बैटरी का फोटो वहां पर नहीं लगाएंगे, बैटरी के बदले में एक सिंबल होता है, उसको यूज करते हैं सर्किट को दिखाने के लिए, है ना। तो इसके बारे में मैंने यहां पर लिखा है, इसको पढ़ें एक बार। इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेन्स अ सेल, यानी कि बैटरी, अ प्लग की, प्लग की मतलब होता है स्विच, स्विच जिसे कि जो है सर्किट को ऑन या ऑफ किया जा सकता है ना। सर्किट को ऑन करने का मतलब है कि जो कनेक्टिविटी है वायर्स की वो कंप्लीट हो जाती है ऑन करने से, और ऑफ करने का मतलब, स्विच को ऑफ करने का मतलब है वो कनेक्टिविटी बीच में कहीं पर टूट जाती है। कहां पर टूटेगी, जहां पर प्लग होता है ना। तो वो कनेक्टिविटी टूट जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने का रास्ता जो है वो कहीं बीच बीच में टूट गया है, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, वो सर्किट को कंप्लीट करने का या सर्किट को तोड़ने का काम करता है ना। तो ये हो गया प्लग की, यानी कि स्विच। फिर आता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स। हम आगे जाएंगे, जैसे 12th में आप पढ़ेंगे तो वहां पर कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स जैसे एलिमेंट्स आएंगे। अभी हमें इस क्लास में केवल रजिस्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी उसमें बीच में सर्किट में जुड़े रहते हैं। फिर उसमें रहता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, है ना। कोई भी सर्किट है, सर्किट के दो पॉइंट के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर का जो दो एंड होता है, वोल्ट मीटर का दो एंड होता है, उसको सर्किट के दो पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, वो वोल्टेज बताएगा। फिर एमीटर जोड़ा जा सकता है। एमीटर क्या करता है, किसी भी वायर के अंदर करंट का वैल्यू मेजर कर सकता है ना। और एंड कंडक्टिंग वायर्स, ओब्वियसली सर्किट कंप्लीट कैसे होगा जब उसमें वायर्स जोड़े जाएंगे, है ना। तो कंडक्टिंग वायर्स ही होते हैं। लेकिन
मैंने कहा कि जब भी हम लोग पेपर में उसको सर्किट को दिखाते हैं तो एक्चुअल में जो अप्लायंसेज होते हैं उनका फोटो नहीं लगाते बल्कि उनका सिंबल यूज करते हैं। तो यहां बताया गया है, फॉर आवर कन्वीनियंस वी ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर शोन बाय देयर सिंबल्स, है ना। तो जैसे देखेंगे मैंने यहां पर एक सर्किट डायग्राम बनाया है, यह है सर्किट जिसमें ये तीन बैटरी लगाए गए, ये जो है एक रजिस्टर है, ये तीन जो है ये बैटरीज हैं, ये रजिस्टर का सिंबल है, ये रजिस्टर है। रजिस्टर ये क्या हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, टीवी हो सकता है ना। और देखेंगे इसके नीचे यहां पर एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर के देखेंगे दो एंड है ना, तो दोनों को कहाँ जोड़ा गया है, रजिस्टर के अक्रॉस जोड़ दिया गया। तो यहां पर रजिस्टर का जो दोनों एंड है, दो पॉइंट्स है, दो एंड है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस ये बता देगा, वोल्टेज में बताएगा, है ना। और आगे देखेंगे यहां पर ये एमीटर है, एमीटर क्या बताता है, करंट की वैल्यू बताता है। अगर इस सर्किट में ऐसे ऐसे करंट जा रहा हो, अगर आई करंट जाएगा तो आई करंट इस एमीटर से हो करके जाएगा, है ना। तो ये जो एमीटर है इस करंट का वैल्यू बताएगा। आगे देखेंगे यहां पर एक स्विच है ना, तो ये स्विच है या प्लग की बोलते हैं, तो ये स्विच का सिंबल है। स्विच जो है कभी ओपन हो सकता है, कभी क्लोज हो सकता है। ओपन होता है तो ऐसा दिखता है, जब क्लोज होता है तो बीच में एक हम लोग यहां पर डॉट लगा देते हैं, ये क्लोज स्विच होगा। स्विच क्लोज होने के बाद ही करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होगा, ठीक। तो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रेजिस्टर, अमीटर, वोल्ट मीटर, उनका सिंबल यहाँ पर यूज किया गया है ना। और भी कई सारी चीजें हैं जिनका सिंबल हमें जानना जरूरी होता है जब भी सर्किट को ड्रॉ करना होता है ना। तो आगे देखेंगे यहाँ पर जो कॉमनली यूज सिंबल्स हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ये बैटरी है या सेल है। बैटरी का देखेंगे एक बड़ा सा प्लेट दिखाया गया है, एक छोटा सा प्लेट दिखाया गया है। तो बड़ा प्लेट जो है ये हमेशा इसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं या हायर पोटेंशियल वाला प्लेट कहते हैं, इसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है। ये जो है ये निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हमेशा कम होता है इस पॉजिटिव प्लेट से, चाहे करंट इधर से फ्लो करे या इधर से फ्लो करे, ये हमेशा हायर पोटेंशियल, ये हमेशा लोअर पोटेंशियल होता है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि सर्किट में ऐसा लिखना जरूरी नहीं होता है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। ये हाई पोटेंशियल पर होगा ये वाला प्लेट, और ये जो निगेटिव प्लेट है ये लो पोटेंशियल पर होता है। ये जो है ऐसा स्प्रिंग जैसा कुछ दिखाया है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिंबल है ना। उसके नीचे देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसा ही दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक नीचे एरो दिख रहा है। एरो क्या है, एक तरह से स्लाइडर है। ये स्लाइडर क्या हो सकता है, आगे पीछे खिसक सकता है ना। आगे पीछे खिसकेगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं एक सर्किट बना दूँ, है ना, तो ये स्लाइडर जितना इधर आता जाएगा इस सर्किट का रेजिस्टेंस घटता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सिंबल है, सिंबल में केवल इतना ही दिखाना है। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का या रियोस्टेट का सिंबल है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है। या स्लाइडर को आगे पीछे खिसकाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू सर्किट में चेंज होता है। ये एमीटर का सिंबल है, जैसा यहां भी एमीटर हमने दिखाया था, है ना। एमीटर क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है करंट, है ना। इट मेजर्स करंट इन वायर, जिस वायर में जोड़ना जोड़ देंगे, अगर इस वायर में यहां पर जोड़ेंगे तो यहां का करंट बताएगा, इसमें जोड़ेंगे तो इससे जाने वाला करंट बताएगा, है ना। अच्छा, ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। जैसे अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्ट मीटर जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो तो यहां पर वोल्ट मीटर जोड़ दिया। कोई कहता है कि मुझे तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो क्या करेंगे, यहां पर वोल्ट मीटर जोड़ देंगे,
ऐसे, तो यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। मतलब ये दो, जो भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। ठीक, ये जैसा कि मैंने बताया ये ओपन स्विच है, ओपन स्विच में बीच में कोई डॉट नहीं होता और क्लोज स्विच में बीच में डॉट होता है, है ना। तो ये सारे सिंबल्स होंगे जिनको कि हम लोग सर्किट में यूज करते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन नहीं दिया है, इनका आंसर नहीं दिया हुआ है ना। जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, इसमें कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमें बताना है। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग लिखते हैं ई, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम्ब अगर चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस पर वन इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अगर वन कूलम्ब चार्ज है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 divided by 1.6 इंटू 10⁻¹⁹, है ना। ये मैंने यूनिटरी मेथड को यूज किया, तो इसकी जो वैल्यू है आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली आएगा अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻¹⁸ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब चार्ज। अब जो है अगला एग्जाम्पल, इसमें कहा गया है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक होगा नहीं तो करंट फ्लो करेगा नहीं, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला कौन है, तो उसके लिए हम लोग सोर्स यूज करते हैं। सोर्स यानी कि बैटरी। बैटरी जो है वो क्या करता है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। एक हाई पोटेंशियल पर एक एंड को रखेगा, दूसरे को लो पोटेंशियल पर रखेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है, तो करंट फ्लो करता रहता है। तो इसका आंसर हो गया डिवाइस का, वो हो गया बैटरी या सेल, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि अगर कोई कंडक्टर है, है ना, ये कंडक्टर है, अगर हमने यहां पर बैटरी जोड़ दिया इस तरह से, है ना, तो बैटरी का ये जो प्लेट है, बड़ा प्लेट दिख रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट होता है, हायर पोटेंशियल पर होता है। ये छोटा वाला निगेटिव प्लेट होता है, जो लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो हायर पोटेंशियल यहां पर है, तो यहां भी हायर पोटेंशियल होगा। ये हाई पोटेंशियल पर होता है, ये निगेटिव प्लेट यहां जुड़ा है, तो इसका लो पोटेंशियल होगा। अब यहां हाई पोटेंशियल, यहां लो पोटेंशियल हमेशा क्रिएट करके रखेगा बैटरी, और जब तक क्रिएट करके रखेगा तब तक जो है करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता रहे। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में पूछा गया है व्हाट इज मीन्ट बाई सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज वन वोल्ट। जैसे कोई दो पॉइंट ले लिया हमने, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनीशन हमने बताया वो था, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें W का, तो W कितना हो जाएगा, Q इंटू वी, है ना। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में दिया है 1 वोल्ट, तो इसको मैं 1 वोल्ट रख देता हूं, और जो चार्ज है इसको 1 कूलम रख देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 जूल, है ना। तो यहां पर ये जो पूछा गया है कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
अगर मैं 1 कूलम चार्ज को ले जाऊंगा तो कितना वर्क होगा, 1 जूल का वर्क होगा, है ना। तो बेसिकली 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें पता चल जाता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो, है ना। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट दिया हुआ है ना। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें पूछा गया हाउ मच एनर्जी इज गिवेन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, है ना। जैसे कि बैटरी का सिंबल हमने क्या बताया, ऐसे, है ना। तो जो चार्ज है वो हो सकता है निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर ऐसे आया हो इधर से, तो यहां से यहां अगर 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें अगर 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां मूव कराएंगे तो बैटरी उसमें वर्क करता है, कितना वर्क करता है, है ना, बैटरी वर्क करता है। जैसे कि यहां पर भी देख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ये वर्क बताता है, है ना। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ये वर्क बताएगा। तो चार्ज इसमें दिया है 1 कूलम, है ना, गिवन टू ईच कूलम, क्वेश्चन में बताया है ईच कूलम का मतलब 1 कूलम चार्ज रखेंगे, और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि 6 जूल का वर्क होगा। तो ये कहा जा सकता है कि बैटरी के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज को निगेटिव से पॉजिटिव ले जाएंगे तो बैटरी उस पर 6 जूल का वर्क करेगा, 6 जूल का वर्क करेगा तो उस चार्ज को 6 जूल की एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा।